नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं अंश माथुर और हम लोग इस समय बात कर रहे हैं बरेली के अतुल शर्मा की। आखिर किसने की लापरवाही, किसने की हीला हवाली, जिसकी वजह से आज अतुल हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, अतुल शर्मा आज हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रशासन? ऐसा है, इनके गार्ड कर्मचारी सब साले हरामखोर हो गए हैं और किसी से मिलने नहीं देते हैं, किसी से कोई बात भी नहीं करते हैं ये लोग। और जब अंदर जाओ तो इनके गार्ड सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बनते हैं, किसी को घुसने नहीं देते अंदर। ये इन लोगों ने बहुत धज्जे उड़ा रखी गरीब आदमियों की। अगर किसी से किसी कोई बात भी करना चाहो इनसे तो कहते हैं नहीं, अभी कोई मिलने का उपनाम नहीं है। और हम भी हैं इसमें, हम देखते हैं गरीब लोग यहाँ आके रोते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे हमारे मरीज से। इतना मैं कहूँगा बस यहाँ। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि इस अस्पताल प्रशासन का एक रवैया ही अलग है, मरीज से मिलने ही नहीं दिया जाता है। कारण ये भी है कि स्वास्थ्य कारणों से भी उनको नहीं मिलने दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें निकल निकल के जो सामने आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही अतुल शर्मा की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय है। मीडिया ने भी इस चीज़ को खूब निकाला है। इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको उनके परिवार से मिलवाने। हम आप पहुंचे हैं स्टेट बैंक कॉलोनी सिविल लाइंस में, जहां पर हम बात करेंगे अमित जी से, जो कि अतुल शर्मा के भाई हैं, उनके परिजन हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या पूरी स्थिति रही जब वो COVID-19 के जो यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है राममूर्ति स्मारक कॉलेज को, उसमें क्या लापरवाहियाँ रहीं, क्या उनके साथ देखभाल हुई, किस तरीके से वो रहे, वो पूरा हालचाल जानते हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको। हम लोग सिविल लाइंस की स्टेट बैंक कॉलोनी में हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शर्मा जी के परिजन, जिनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरीके से पूरी स्थिति रही और अब वो हमारे बीच नहीं है, तो उसमें वो आगे की आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सर, उसका जब हमने टेस्ट कराया कोरोना का पहला, वो मैंने कराया था, सैंपल दिया था मैंने 25th में अतुल का, और उसकी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो मेरे को मिली है 31st में, यानी कि लगभग 6 दिन डिले। इस बीच जो भी मैं प्राइवेट या पर्सनल जो भी डॉक्टर हैं हमारे लोकल के, उनसे कंसल्ट लेके मैं उसका इलाज कराता रहा। 30 को जब उसकी दिक्कत मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने उसको SRMS में एडमिट करने का हम सब लोगों ने सोचा, प्लान किया कि इसको आज कर देते हैं। तब तक हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं आई थी वो वाली भी। उस दिन मैंने शाम को उसे एडमिट किया, एम्बुलेंस भी आने में कम से कम 5-6 घंटे लग गए कॉल करते करते। खैर कोई भी रहा, उसे मैं रात में करीब 10 या 11 बजे के बीच में मैंने उसे पहुँचा दिया SRMS। ऐसा है ना, इसकी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आज की डेट में अगर आप अपने पेशेंट को छोड़ के आते हो ना, तो वो पेशेंट बस चला गया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता आपका किसी भी तरीके का, कोई भी जानकारी नहीं ले सकते कुछ नहीं। उन्होंने एक सरकारी मेले की तरह, कुंभ मेले की तरह कंट्रोल रूम बना रखा है, जिस पर एक कॉल करो फलानी जगह ट्रांसफ़र, फलानी जगह फलानी जगह ट्रांसफ़र। कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कौन सा डॉक्टर क्या पेशेंट उसका कर रहा है। अगर आपके बंदे के पास मोबाइल भी नहीं है ना, तो आप बिल्कुल उससे दूर, वो आपकी दुनिया से चला गया, या तो वो जिंदा आएगा तो मिलेगा, और नहीं तो बॉडी किस कंडीशन मिल रही है आपको पता ही है पॉजिटिव बंदे की। उसको उन्होंने बंद कर दिया। मेरी से टेलीफोनिकली 2 दिन तक बात हुई, मतलब मैंने उसको थर्सडे को नाइट में शिफ्ट किया था। थर्सडे नाइट में उसको उन्होंने, जब मैंने शिफ्ट किया उसको 10 बजे, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उसका कोई डॉक्टर या कोई नर्स गई ही नहीं। मैं तीन किस तारीख की बात है, ये डेट हो गई आपकी 30 तारीख को कोई भी डॉक्टर, नो कुछ नहीं। मैंने उसे एडमिट किया सर, वो एक स्ट्रेचर पर उसको ले गए और उन्होंने जनरल वार्ड में उसको डाल दिया। रकम भी जमा 50,000 रुपये जमा किए हैं मैंने साहब, उसमें मेरे पर रसीद रखी हुई है, अगले दिन मुझसे 50,000 रुपये जमा कराए हैं, तब तो उसको शिफ्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उसका। उससे पहले कोई भी कुछ नहीं, मेरी 3 बजे तक उससे बात हुई है, कोई धंधा नहीं पहुंचा। तो फिर मैंने उसको बोला कि जो दवा तू अपने बैग में लेके गया था बुखार और खांसी की, वही खा ले यार, बोला मेरे को खांसी बहुत हो रही है, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। मुझे वीकनेस उसे बहुत हो गई थी, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ इसलिए एडमिट किया था कि जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है बंदा, उसे फर्स्ट एड के लिए ड्रिप या कोई चीज़ चढ़ाई जाती है। कुछ नहीं दिया उन्होंने अगले 2 दिन तक, मेरी नॉलेज में तो कभी मैंने कोई ड्रिप चढ़ती हुई देखी नहीं, जब भी मेरी उससे वीडियो कॉल होती थी और बात भी होती थी उसने बताया, मुझे कुछ नहीं मिला।
फिलहाल क्या हुआ, अगले दिन उसको नहीं आया, दो दिन तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। पीपी किट पहन के कोई नर्स या कोई सब स्टाफ एक आध बार उसको देखने आते थे, वो भी ऐसा करके गोली या दवा थमा के चले जाते थे। मतलब एक परहेज सा बहुत, वो उनको खुद इतना डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पॉजिटिव हो जाएं। अरे जब आपको इतना डर है कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे, आप ट्रीटमेंट मत करो, मैं उसको ले कहीं और चला जाता। मैं क्यों आपके पास बैठा रहता, बरेली का नंबर वन हॉस्पिटल, बरेली का नंबर वन हॉस्पिटल, काय का नंबर वन हॉस्पिटल जो आप इलाज नहीं कर रहे हो, आपका डॉक्टर डर रहा है। आप उसके पेशेंट के फैमिली वालों को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो कि उसकी पोजीशन क्या है, कोई भी हालचाल कुछ नहीं। आप एक कंट्रोल रूम बना रखा है, कोई बात हो कंट्रोल रूम पे फोन कर लीजिए, हाँ साहब आपका पेशेंट ठीक है, हाँ साहब आपका पेशेंट ठीक है, मतलब एक तरीके से गुमराह करने का। बिल्कुल 100%, 48 घंटे तक उन्होंने मुझे गुमराह किया। उसके बाद ये जब उसकी हालत मेरी, मतलब सैटरडे की नाइट तक उससे बात हुई है 9 बजे तक मेरी और मेरी फैमिली की वीडियो कॉल पे, उसने कहा भाई ठीक लग रहा है, ऐसा समझ लो कि ठीक क्या लग रहा है, जैसा हूँ वैसा ही हूँ, बस अपनी दवाई गोली खा रहा हूँ, आता जाता है नहीं कोई, खाने के लिए पूछ नहीं रहे, दही चावल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी नहीं, नहीं कोई दवा उन्होंने दी या नहीं दी, मतलब घूम फिर के जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है यार, कोई आदमी जिसकी सांस में दिक्कत हो, जैसे गले में प्रॉब्लम हो, आप उसे दही चावल दे दोगे क्या? दही चावल उसको दे दिया लंच में आके, उसका फोन आया बोले यार दही चावल भेजा है इन्होंने। मैंने कहा दही चावल, ये तो हम नॉर्मल नहीं खा रहे हैं इस समय, क्या मतलब है? शाम को उसको दो पेटीज भिजवा दी हॉस्पिटल ने खाने के लिए, बोला पेटीज आई हैं। मैंने कहा यार ये पागल हो गए हैं क्या? फिर मैंने फाइनली मन बना लिया सैटरडे शाम को कि मुझे हर हालत में मैं इसे कल सुबह यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा दिल्ली मैक्स कहीं भी, ये लोग तो कर नहीं पाएंगे इसका ट्रीटमेंट। ये उस दिन 30 मतलब फर्स्ट 1 तारीख की रात में ऐसा क्या हुआ 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद मुझे नहीं मालूम। मैं उसे रेगुलरली कॉल करता था मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उसका हालचाल पूछने के लिए, वो मैंने सुबह उठते ही अपना ब्रश ब्रश करके उसको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। पहली कॉल में मेरी रिसीव कर लेता था ना, उसने वीडियो कॉल रिसीव की ना उसने ऑर्डिनरी कॉल रिसीव की। फिर मैंने वही कंट्रोल रूम उनका थका हुआ सा ऑप्शन, ना कोई डॉक्टर है ना कोई ट्रीटमेंट, आप किसी डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकते, मतलब आपको यही नहीं पता कि आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन सा डॉक्टर कर रहा है, यही नहीं मालूम चल सकता, कोई बताने वाला ही नहीं है वहाँ पे साहब। मैंने वही कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, बोले साहब अभी तो हमारे पे रिपोर्ट नहीं आई है, एक अजीब सा भद्दा सा जवाब। मैंने कहा साहब वो हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, किसी को आप भेज के पता करवा दीजिए। मैंने अपने रिसोर्सेज से पता करवाया कि उनको उसको तो शिफ्ट कर दिया इन्होंने ICU में रात में, अब मेरा पेशेंट उसको आप ICU में शिफ्ट कर रहे हो रात में, आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करोगे क्या? मैं अपना एक्शन लेता ना उसे ले जाने के लिए, मैं अपना इलाज कराता या नहीं कराता वो मेरा हेडक था, आपने शिफ्ट कर दिया, आप बता ही नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो यहाँ से लेकर 300 मीटर के अंदर वो ले जाते हैं पेशेंट को, वहाँ ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है ना कोई पूछ सकता है वहाँ पर जाने। खैर कोई बात नहीं, मैंने तुरंत अपनी कार उठाई, अपने फ्रेंड है मेरे साथ में, मेरा मौसेरा भाई है, हम दोनों लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे, हम सीधे ICU गेट पर पहुँच गए जैसे तैसे ढूंढ ढांड के। पहले तो ICU गेट मिलना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर कोविड का, वहाँ पहुँचे कोई, पहले तो स्टाफ ने मना कर दिया साहब हमें नहीं मालूम है, बहुत कई लोगों से फ़ोन कर पाए तो पता चला हाँ साहब वो है, एक छोटे से कोई डॉक्टर साहब निकल के आए, इन्हें कुछ तमीज़ नहीं थी, कह रहे हैं आपका बंदा जो है ना वो क्रिटिकल है, हम स्टेबल कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहले तो क्रिटिकल कब हो गया आप ये बताओ भाई, रात को क्रिटिकल हुआ आप, मैं आज पूछने आ रहा हूँ तो आप मुझे बता रहे हो। मैंने कि जिस कंडीशन में है, मैंने तुरंत एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की वहाँ पे, जिस कंडीशन में है मेरा पेशेंट आप मुझे दे दो। मैंने एक एम्बुलेंस का अरेंज किया वेंटिलेटर के साथ में, मैं भी उसे ले जाऊँगा यहाँ से, मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं है, चाहे वो भले ही उसके साथ कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रखूँगा। मतलब इस कंडीशन पे भी अस्पताल प्रशासन नहीं दिया, सही जानकारी नहीं दे रहा, दे ही नहीं, उन्होंने मुझे हैंड ओवर नहीं किया। मैंने रिटेल में एप्लीकेशन व्हाट्सअप किए वहाँ के जो HOD है मिस्टर ललित, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस समय वहाँ पे, उनको मैंने व्हाट्सअप किया है बाद में उस एप्लीकेशन को, और उनके काउंटर पे मैंने रिसीव कराई, मगर कोई रिसीव करने को तैयार नहीं था, व्हाट्सअप किया मैंने, उसके बाद भी किसी ने मेरी नहीं सुनी 11:30 बजे तक। तो फिर मैंने सीधे नितिन सहगल जी को फ़ोन किया, नवनीत सहगल जी को जी। उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया, मेरा फ़ोन उठा लिया, जो कि नोडल अधिकारी हैं जी, नोडल अधिकारी बरेली के नहीं है, UP के हैं वो, पूरा काम देख रहे हैं वो। उन्होंने तुरंत DM साहब को फ़ोन किया, DM साहब ने फिर हॉस्पिटल फ़ोन किया, तो जस्ट तभी मेरे पास फ़ोन आ जाता है अंदर से कि आपके भाई की जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा, मैंने आप क्यों झूठ बोल रहे हो, उसके संग कुछ मिसहैपनिंग हो चुकी है, बोले हाँ सर उनकी डेथ हो गई है, तो मैंने यार बॉडी दे दो और हमें बख्श दो, तुम लोगों ने जो 48 घंटे के अंदर उसको बगैर खाने और दवाई के मार दिया, तुम लोग अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो पेशेंट क्यों ले रहे हो? उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आज से पहले कभी कोई बीमार नहीं हुआ वो 8 दिन में, मैं कैसे मान लूँ उसके संग कुछ हो जाएगा? आज उसकी वाइफ एडमिट है गाजियाबाद के हॉस्पिटल में, बेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, सारा इलाज हो रहा है, डॉक्टर हाथों हाथ उसे टच कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, योगा करा रहे हैं, अनुलोम विलोम करा रहे हैं, सारी दवाई दे रहे हैं, तुम छूने को तैयार नहीं हो, तो तुम छूने को तैयार नहीं हो तो यार पेशेंट मत लो ना यहाँ पर,
हमारा पैसा रुपया तुम जो तुम्हें चाहिए था हमें बताते, हम पैसा दे देना तुमको, और नहीं कर पा रहे हो, ट्रीटमेंट तुम्हारे पास नहीं है तो मना कर दो, सीधी सी बात है। क्या मतलब है आपको एक पेशेंट की जान से खेलने का, इसके छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ चले गए यहाँ पे आके, मगर आपने तो अपने उनका कर लिया, परिवार हमारा मर गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को एक बुलेटिन में एप्लीकेशन दी है, पोर्टल पर भी डाला है और सारे प्रशासन को भी दी है। मुझे इस पर कार्रवाई चाहिए, हर हालत में चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ है ना, मैं चाहता हूँ बस किसी और परिवार के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, वैसे तो मुझे नहीं पता बरेली की स्थिति है, क्योंकि यहाँ तो मैंने भुगता है, इस हॉस्पिटल में बिल्कुल भी कोविड का इलाज नहीं हो रहा है। सिर्फ जाके डाल देते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर है कि आप कंप्रोमाइज करके निकल आओगे, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो आपको छोड़ देंगे। L1 वाला जो बंदा है जिसको थोड़ा कम सिम्टम है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, उसको बादाम वादाम खिलाया, वो अब तो अपने आप ही सही हो गया जाएगा, चाहे घर में आइसोलेट हो जाए चाहे उनके पास हो जाए जाके, उन्हें तो अपना बिल बनाना है, सीधी सी बात है, बिल बनाना है, पैसे लेना है। अब आइए आप रात के, जब मैं तो मेरा तो उनसे एक दो ही क्वेश्चन मैंने उनसे किए अभी तक, आज भी, आज 9 तारीख हो गई है, मुझे अभी भी ऐसा आ रहा है मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट उसका प्रोवाइड नहीं कराया है, सिंगल कोई भी नहीं। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन रिसीव कराई है उनको 5 तारीख को जाके, 5 तारीख को उसका बर्थडे भी था तुल का, मैंने उसी दिन एप्लीकेशन रिसीव कराई कि भैया मेरे को उसके संबंधित जो भी कागजात हैं, एक तो केस फाइल, आपने उसे क्या दवा दी, प्लस मुझे वीडियोग्राफी दे दीजिए जब से वो एडमिट हुआ है और जहाँ तक वो गया ICU तक, और उसका डेथ सर्टिफिकेट, 3 चीज़ें आप मेरे प्रोवाइड कर दिए। उन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया है। कल भी मैं गया था, कह रहे हैं बस मीटिंग चल रही है, हम बात कर रहे हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कैमरे की रिकॉर्डिंग में तुम्हें क्या बात करनी है, और केस फाइल में तो हैंड टू हैंड डिस्कशन लिखा जाता है मेडिसिन, उसकी कॉपी देनी है आपको, उसमें बात और मीटिंग करने का मतलब क्यों, आपको मैनिपुलेशन करनी है उसमें, आपने रात में क्या किया आप देखने ही नहीं गए, क्या हुआ वो तो ऊपर वाला ही जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, मगर आपका कैमरा तो जानता होगा ना क्या हुआ है, उसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, इसलिए आप मुझे देना नहीं चाह रहे हो, सीधी सी बात है। इनकी लापरवाही से, घोर लापरवाही से वो चला गया, क्योंकि 8-9 दिन में किसी को बुखार आता है और चला जाता है क्या। मैं तो मान रहा हूँ वो कोविड पॉजिटिव था, मगर 8-9 के बुखार में 34-35 साल का आदमी कि 8 दिन बुखार नहीं झेल पाएगा, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ आप देखने ही नहीं गए, चला गया वो, हो सकता है कोई अटैक पड़ा हो, आप देखने ही नहीं, जब कोई देख ही नहीं रहा है उसको, क्या पता क्या हुआ वहाँ पे, या आप हमें दिखाओ या बताओ, बताने को तैयार नहीं हो। सीधी सी बात है, इनका तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इस हॉस्पिटल पे ताला लगना ही चाहिए, वरना ये ऐसे ही बर्बाद बर्बाद होंगे और मौतें होती रहेंगी बरेली में। मौत बढ़ने का रीज़न ही यही है, मैं तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये मौत बढ़ने का रीज़न ही यही है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं कोई करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद इतना डर लग रहा है कि मैं पॉजिटिव ना हो जाऊं। जब आपको डर लग रहा है तो इससे बढ़िया आप आइसोलेट करने के लिए कह दो भैया घर में, हम अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेंगे, अपने घर में मेडिसिन करा लेंगे। हम हॉस्पिटल पर इसलिए लेके जाते हैं, हम भगवान डॉक्टर को भगवान समझते हैं कि वहाँ पे कुछ बेटर इलाज हो जाएगा, मगर इलाज नहीं हो रहा है, वो सीधे सीधे मर्डर कर रहे हैं एक पेशेंट का बुला के, क्योंकि उन्हें खुद इतना डर लग रहा है, सीधी सी बात है। जब आप डर रहे हो तो क्यों इलाज करा रहे हो, बुलाओ मत किसी को, हम अपना पेशेंट कहीं भी ले जाते, नहीं होता अपने घर में रखते, नहीं हमारे पास अगर नहीं पैसा है मेरे पास तो मैं अपने घर में रखूंगा ना, मैं क्यों आपके हाथ में छोड़ दूं, यहाँ मैं सारा चीज़ करा रहा था, वहाँ 300 मीटर दूर वो कोने में पड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, कोई बताने को दे, नहीं 48 घंटे तक मेरे पास वीडियो कॉल है ना, उससे कहता था वो कि कोई देखने ही नहीं आया, एक डॉक्टर देखने नहीं गया सिंगल उसको 48 घंटे में, 48 घंटे के बाद उसने टाइम ही कहाँ दिया, रात में उसके संग पता नहीं क्या हो गया, मुझसे तो ये कह रहे हैं कार्डिया अटैक हो गया, ये हो गया। अंतिम दिनों में उन्होंने खाना कुछ मिला उनको, नहीं मिला ऐसे कुछ जानते? मैंने आपको बताया तो दही चावल और पेटी जैसी चीजें उनको दी जा रही थी, वो क्या खाता उसको, वो नहीं खाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं खाया होगा, जिसको फीवर हो रहा है, जिसको चलना फिरना मुश्किल है, वो दही चावल और पेटीज कैसे खा सकता है, आप मैं नहीं खा सकते, सामान्यता नहीं खा रहा है, वो तो डाल के रख के चले जाते हैं, वो खाए या ना खाए पूछने वाला कौन है वहाँ पे, वो तो फोन मुझे करता था, उसके अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं थी भाई, वीकनेस जिसको आ जाती है वो मुझे फोन करता था कि तुम फॉलोअप कर लो। अब वहाँ फॉलोअप करने के लिए एक आदमी हो तो फॉलोअप करा भी जाए, एक को फोन करो दूसरे ट्रांसफर, दूसरे को फोन करो तीसरे को ट्रांसफर, वहाँ कोई बताने वाला ही नहीं है, सीधी सी बात तो ये है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वहाँ पे ना वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना फॉलोअप कर रहे हैं, अगर पेशेंट को सही से देख भी लें तब भी पेशेंट ठीक हो जाए, आप मेडिसिन तो एक अलग बात है, आप कम से मॉनिटरिंग तो कर लो, आपको एक पेशेंट आपके पास में उसको कोई प्रॉब्लम होगी रात रात तो कौन देखेगा, आप ही तो देखोगे, हम थोड़ी देखेंगे वहाँ बैठ के, आपके पास इसीलिए भेजा गया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल कुछ नहीं करने को, तो उनको करना ही कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ पैसा ले रहे हैं और कुछ नहीं, उनको आप पैसा दे दीजिए, उन्हें पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही है हमारी कि भाई सीधी सी बात है, जैसा मेरे साथ हुआ है किसी के साथ ना, हॉस्पिटल आप बंद करके सील कर दीजिए, वरना आप अटेंडर में एक छापा मार के पता लगाइए वहाँ पे क्या हो रहा है, बंटू होने के पेशेंट से पूछिए जाके, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। कोविड का इलाज ऐसा थोड़ी होता है जैसे आप कर रहे हो, करने को तैयारी नहीं है, प्रशासन को बंद कर देना चाहिए कॉलेज उठा के, इस कॉलेज का चलने से क्या फायदा है, जहाँ पे जवान मौतें हो रही है बताइए, एक आदमी थोड़ी मरता है, उसका पूरा परिवार मरता है, तो उन्होंने मार दिया, सीधी सी बात है, मैंने योगी जी से भी यही कहा लिखकर।
तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ परिजन जो कि भाई हैं अमित जी अतुल शर्मा जी के, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यही मांग है कि बरेली में अब तक की जो मौतें हुई हैं उनमें ना जाने अतुल जैसे बात नहीं खुल पाई, दबी रह गई, उन जैसे कितने लोग रहे होंगे। अब उनकी यही मांग है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि और जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन कोरोना के संक्रमितों की संख्या 100 के आंकड़े को तो पार करती है, इसी के साथ ही मृतकों की संख्या भी 2 से 3 जो रोजाना आ रही है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। प्रशासन को जागना होगा, इसमें जिसकी घोर लापरवाही रही उस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना बरेली को वुहान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मैं अंश माथुर, सिटी न्यूज़ बरेली।